सो हाई गैस, वेलकम टू माई चैनल। माई से विशाल चौधरी, आप देख रहे हैं जाट टेक्स यूट्यूब चैनल। तो आज के टाइम बनाने वाले हम ऐसा पीसी बिल्ड जिसका प्राइस लगभग 5,000 के आसपास होगा। तो इसमें ये पीसी बिल्ड एक सेकंड हैंड पीसी बिल्ड होगा, इसमें कोई नए पार्ट्स यूज़ नहीं होंगे क्योंकि पीसी का बजट बहुत कम है। और ये आपको सब जगह मिल जाएंगे पार्ट्स, क्योंकि पार्ट्स सारे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। कहीं भी आपको एलीएक्सप्रेस से भी मिल सकता है अगर आपको नहीं मिल रहा है आपके आसपास, वरना ओएलएक्स वगैरह पर आपको आराम से मिल जाएंगे। प्रोसेसर तो बहुत ही आराम से मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं इस पीसी बिल्ड को बनाने का टाइम। सो गाइस, सबसे पहला कॉम्पोनेंट हमने लिया है वो हमारा प्रोसेसर। इसके लिए हमने लिया इंटेल का कोर 2 क्वाड Q6600, जो एक 4 कोर 4 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। इसकी जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो है 2.4 GHz, बट इसकी TDP थोड़ी ज़्यादा आपको लग सकती है क्योंकि वो 105 वॉट है। आज के प्रोसेसर काफ़ी कम लेते हैं तो उसके आपसे थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि इतना पुराना प्रोसेसर इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है। और उसका नैनोमीटर 65 नैनोमीटर पर बेस जब है, अभी ये डिसकंटिन्यू हो चुका है तो आपको सिर्फ सेकंड हैंड ही मिल पाएगा, नया आप नहीं ले पाओगे। बट ये आज भी काफ़ी गेमिंग के कैपेबल है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, गेम आराम से आपको चला देगा, कोई भी गेम हम चलाना चाहो उस पर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। तो गाइस, नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमारा वो है मदरबोर्ड। तो उसके लिए हमने लिया ज़ेब्रॉन्स का G31 मदरबोर्ड, जो सॉकेट 775 को सपोर्ट करता है। ये DDR3 रैम को सपोर्ट करता है 8 GB तक, जो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है। सेकंड हैंड आराम से मिल जाता है क्योंकि इसका प्राइस इतना कम है, तो बहुत लोग इसे खरीद लेते हैं फिर इसे बेच देते हैं, तो बहुत आराम से आपको कहीं भी किसी भी एरिया में मिल जाएगा। तो आप इसके आराम से कुछ भी चला सकते हो, अपने कोई भी आप Core 2 Duo Core 2 Quad आराम से आपको चल जाएंगे, कोई इशू आने वाला नहीं है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। तो गाइस, नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमारा वो हमें ग्राफिक कार्ड। तो हाँ, इस पीसी के अंदर हमने ग्राफिक कार्ड भी यूज़ करा है, जो एक बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है इतने कम बजट में रखे, क्योंकि आप Core 2 Duo इसमें अपने आप गेमिंग नहीं कर सकते, कि मतलब आप बिना ग्राफिक कार्ड के इस पर गेमिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इसके इंटीग्रेट ग्राफिक्स होते हैं बहुत ही बेकार होते हैं, उसमें बहुत ही बेकार गेम चलेंगे। तो आप चाहो तो इसमें ग्राफिक कार्ड लगा के आराम से इसकी गेमिंग परफॉर्म बूस्ट कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ आपको कौन सा ग्राफिक कार्ड लगाना है। आपने इसके अंदर लगाना है सेफायर का ATI Radeon R7 240 विद 1 GB जो DDR5 आता है। इसका 2 GB DDR3 भी आता है, वो मत लेना, वो बिल्कुल बेकार है। 1 GB GDDR5 वाला लेना, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो इसको आपको इसका प्राइस मिल जाएगा आपको आराम से 1500 सेकेंड हैंड मार्केट में, और ये भी बहुत ज़्यादा फेमस ग्राफिक कार्ड है, तो आराम से कहीं से भी एरिया में मिल जाएगा। नेहरू प्लेस वगैरह में रहते हैं फिर तो आपको मिल ही जाएगा आराम से, बहुत सस्ते में आराम 1300 के भी मिल जाएगा, इतना सस्ता ग्राफिक कार्ड आपको मिल सकता है। तो ये बहुत सारा ग्राफिक कार्ड है, आराम से कोई भी बॉटल नेक नहीं देगा आपके Core 2 Quad Q6600 को। मुझे बहुत सही लगा। इसमें आपको 1 DVI पोर्ट 1 HDMI पोर्ट मिल सकता है, तो आप आराम से 2 डिस्प्लेस में कनेक्ट कर सकते हो, जो काफ़ी आपके हिसाब से, क्योंकि मेनली आप एक ही डिस्प्ले चलाते हो ग्राफिक कार्ड में, 2 का तो फिर भी उन्होंने पोर्ट दिया हुआ है। तो ये 128 बिट पर सपोर्टेड है और इसमें 400 वॉट का पावर सप्लाई रिक्वायर्ड है, तो ज़्यादा उसको पावर सप्लाई चाहिए, इंटीग्रेटेड से ही लेता है। इसमें 6 पिन का और कनेक्टर भी नहीं लगता, तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा ग्राफिक कार्ड, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड करा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। तो गाइस, नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमारा वो हमारी रैम, जो हमने यूज़ करी है 4 GB की DDR3 हाई एंड। इसकी रैम जो है 1300 MHz पे क्लॉक्ड। यहाँ पे गेम में कोई भी बॉटल लाइक नहीं देगी, आपके सारी गेम्स चला देगी, क्योंकि जिस आपके आपके कंपोनेंट्स हैं उनके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। आपको ज़्यादा 8 GB लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो यूज़ कर ही नहीं पाएंगे आपके कंपोनेंट्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। तो गाइस, नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमारा वो हमारा एक कॉम्बो, जिसमें हमें मिला है मदरबोर्ड और 2 GB की रैम मिली है, जो हमने यूज़ नहीं करी है क्योंकि वो DDR2 मिली थी हमें साथ में, क्योंकि जो मदरबोर्ड हमने यूज़ करा वो DDR2 और DDR3 दोनों सपोर्ट करता था, तो इसलिए हमें DDR2 वाली निकाल दी क्योंकि वो इतनी बढ़िया नहीं है। और हमें मिला एक पावर सप्लाई जो है 400 वॉट्स का, और मिला है हमें एक कैबिनेट जो बिल्कुल सस्ता सा, बिल्कुल नॉर्मल बेसिक सा कैबिनेट होता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल बेसिक कैबिनेट है। और हमें मिली एक 500 GB के हार्ड ड्राइव, जो मुझे सबसे सही चीज़ लगी, इसलिए मैंने कॉम्बो बाय किया। तो गाइस, हमारे सारे कंपोनेंट्स का प्राइस जो पड़ा है वो है 5100, जो आपको बताता हूँ किससे कैसे किस किस का प्राइस है। तो 1500 का हमारा ग्राफिक कार्ड है जो है R7 240, फिर हमारा 800 का प्रोसेसर है जिसका नाम है इंटेल कोर 2 क्वाड Q6600, फिर हमने 800 रुपये के लिए सेकेंड हैंड 4 GB की रैम, फिर हमने लिया 2000 के कॉम्बो जिसमें पड़ा है मदरबोर्ड, हमें एक PDA पावर सप्लाई और एक 500 GB के हार्ड ड्राइव। मुझे उसमें प्रोसेसर और 2 GB की रैम भी मिली थी, जो मैंने यूज़ नहीं करी है क्योंकि उसका कोई यूज़ बनता नहीं है इसमें। तो यही थे हमारे सारे कॉम्पोनेंट। तो गाइस, इस पीसी की बेंचमार्क की वीडियो में जल्दी मैं ले आऊँगा, आप मुझे कमेंट में कर दिए आपको कौन से गेम्स चलाने। तब तक के लिए अगर आपको बेंचमार्क की वीडियो देखनी है तो आप कर दिए चैनल को सब्सक्राइब, वरना आपको नहीं पता लग पाएगा कि मैंने वीडियो डाली है। और लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और घंटे के आइकन जरूर दबाना, वाला मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ नहीं मिल पाएंगे। तब तक के लिए बाय गाइस।